सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं विटारा ब्रेजा के बारे में, जो कि मारुति सुजुकी का एक स्ट्रांग प्रोडक्ट है उनके एसयूवी कैटेगरी के अंदर। बट अभी ये सिर्फ आपको डीजल वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल होती है, पेट्रोल ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। सो गाइस अब एक गुड न्यूज़ है कि मारुति सुजुकी ने ये डिसाइड कर लिया है और इसको लॉन्च भी करने वाली है पेट्रोल वेरिएंट के अंदर। सो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि मारुति सुजुकी का विटारा ब्रेजा का पेट्रोल वेरिएंट आपको कब तक अवेलेबल हो जाएगा, क्या क्या आपको इसके अंदर इंटीरियर देखने के लिए मिल सकता है और क्या क्या आपको एक्सटीरियर के अंदर इसमें चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे और क्या इसकी प्राइसिंग हो सकती है। सो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा अगर आपको विटारा ब्रेजा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि 2020 में लॉन्च होने वाली है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी डेली कार से रिलेटेड न्यूज़ कंपैरिजन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज अगर मैं बात करूँ विटारा ब्रेजा की, तो ये स्ट्रांग प्रोडक्ट है मारुति की तरफ से। अभी तक आपको ये डीजल वेरियंट के अंदर ही अवेलेबल होता था, बट अब यह आपको पेट्रोल वेरियंट के अंदर अवेलेबल होने वाला है। सो ये लॉन्च होने वाली है 2020 के अंदर। सबसे पहले ये आपको ऑटो एक्सपो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी और वहाँ शोकेस करने के बाद आपको ये 2-3 महीने के अंदर ही मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी और इसकी बुकिंग्स भी उसी के बाद स्टार्ट कर दी जाएगी। सो अब मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूँ कि जो डीजल वेरिएंट था पहले 1.3 लीटर के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलता था, वो शायद आपको अब अवेलेबल नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग कि मारुति ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने डीजल वेरिएंट जितने भी कार्स के अंदर आती हैं उनको डिसकंटिन्यू कर देगी अप्रैल 2020 से। सो ये बिल्कुल डिसाइड है और श्योर शॉट है कि आपको डीजल के अंदर अब विटारा ब्रेजा अवेलेबल नहीं होने वाली है। अगर मैं इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो आपको इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी ये कंपनी की तरफ से पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, बट जो न्यूज़ अभी तक आ रही है उसके हिसाब से आपको इसके अंदर जो मिलने वाला है BS कंप्लाइंट इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, पेट्रोल वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा। K15 पेट्रोल इंजन जो आपने अर्टिगा के अंदर देखा था सेम आपको वही इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। वहीं आपको जो दूसरा इंजन है वो मिलेगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको इसके अंदर मिलेगा, जिसके अंदर कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि इसके अंदर आपको CNG लाइनअप भी मिल सकता है। सो 1.2 लीटर का अगर कंपनी इसके अंदर इंजन लाती है तो वो आपको इंजन कंपनी से CNG फिटेड भी मिलेगा, जो कि कंपनी इस बार ऑप्शन रखने वाली है। सो ये श्योर है कि अगर इसके अंदर CNG आ जाती है तो इस कार की जो सेल है वो और भी ज़्यादा बूम कर जाएगी। वहीं आपको 4-स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा और 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आपको ज़रूर मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं इसके लुक्स की और डिज़ाइन की, तो वो बिल्कुल इसके अंदर चेंज कर दिए जाएंगे। एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको रीडिज़ाइन इसका फ्रंट और रियर बम्पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं आपको इसकी जो ग्रिल है वो आपको और भी ज़्यादा एनहांस और बोल्ड इसके अंदर मिलने वाली है। वहीं सुजुकी का जो लोगो है वो आपको थोड़ा सा बोल्ड मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स में आपको जो ऐसे छोटे थे पहले DRL देखने के लिए मिलते थे, कुछ उस तरीके का आपको चेंज इसके हेडलाइट्स में देखने के लिए ज़रूर मिलने वाला है। साइड लुक में ज़्यादा कुछ चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर में आपको ऑल ब्लैक थीम देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे आपने अभी XL6 के अंदर देखी है सेम वैसी आपको थीम इसके अंदर मिलेगी। 7 इंचज़ की आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, टच स्क्रीन सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा जो सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। ऑल ब्लैक आपको थीम के साथ लेदर सीट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। लेदर अपहोल्स्ट्री मिलने के बाद आपको ये कार और भी ज़्यादा प्रीमियम ज़रूर मिलेगी। LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स आपको इसके अंदर ज़रूर मिलेंगी। कॉमन फीचर्स की बात करूँ तो ABS+ EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग इसकी जो स्टार्ट होने वाली है वो आपको समवेयर अराउंड 8 लाख से 12 लाख एक्स शोरूम प्राइस तक आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइज ये थी कुछ ओवरऑल डिटेल जो कि अपकमिंग पेट्रोल विटारा ब्रेजा के बारे में मैंने आपको बताई, जो कि 2020 में लॉन्च होने वाली है। सो गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को आप अभी शेयर कर दीजिए, ताकि ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी को विटारा ब्रेजा या फिर कोई भी SUV परचेज करने वाला है तो ये इन्फॉर्मेशन उस तक ज़रूर जाए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।